चलिए बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, एक्टर और मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत एक बार फिर अपने बयान से चर्चा में है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में ड्रग्स की सप्लाई के लिए पंजाब को जिम्मेदार बताया। कंगना रनौत ने आरोप लगाया कि पड़ोसी राज्य से नशा करके लोग मोटरसाइकिल से हिमाचल आते हैं और यहां आकर उत्पात मचाते हैं। इन्होंने हमारे जो है यूथ को पूरी तरह से जो है वो बर्बाद कर दिया है। हाँ, इन आते नहीं कुछ सीखना है, ये चाहे चिट्टा हो, चाहे उग्रता हो, चाहे कुछ भी हो, तू जो पता मैं कुछ राज्य की गल करी रही। बड़ा उग्र इनका स्वभाव होता है, बाइक कपड़ा पर भाई हो हल्ला कराए, ड्रग्स कराए, पता नहीं केड़ी केड़ी शराबा पिए, भाई उत्पात मचा रहा हूं इन्हें। तो उससे जो है मैं ये कहूंगी कि हमारे हिमाचल वासियों का जो अपनी जो संस्कृति है, हमारा अपना जो ग्रामीण कल्चर है, हमारे अपने जो बच्चे हैं वो किसी तरीके से जो है इनके प्रभाव में ना आए। और चलिए बड़ी खबर आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आज प्रचार का शोर थम जाएगा। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कई दिग्गज रैली और रोड शो के जरिए वोट मांगते हुए दिखाई देंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ कुरुक्षेत्र, कैथस और जिंद में जनसभा कर बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे, जबकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी नू और महेंद्रगढ़ में कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। वहीं हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान होने हैं, जबकि 8 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे जारी होंगे। हरियाणा में चुनाव के लिए प्रचार का आखिरी दिन है और आज शाम 6 बजे थम जाएगा प्रचार। आज सभी पार्टियां प्रचार करने के लिए पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आएंगी। हरियाणा में 5 अक्टूबर को चुनाव है और 90 विधानसभा सीटों पर होना है। और वहीं अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी आज हरियाणा दौरे पर रहेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आपको जनसभा संबोधित करते नजर आएंगे, तो वहीं राहुल गांधी भी आज नजर आएंगे। 8 तारीख को देखना होगा कि 90 विधानसभा सीटों पर जब रिजल्ट आएगा तो किसने बाजी मारी है। और जैसा जिक्र कर रहे थे कि हरियाणा दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रहेंगे। दरअसल उनका शेड्यूल आपको बताते चले, 12 बजे वो जयपुर एयरपोर्ट से रेवाड़ी हेलीपैड के लिए रवाना होंगे। रेवाड़ी के ब्रह्मागढ़ में जनसभा संबोधित करेंगे और उसके बाद कुंडल गांव के लिए रवाना होंगे। कुंडल गांव में भी वो जनसभा को संबोधित करेंगे और फिर शाम को जयपुर के लिए वापसी भी करेंगे। तो ना सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बल्कि आज चुनावी सभा को संबोधित करते हुए आपको राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी नजर आएंगे। बीजेपी के पक्ष में माहौल टाइट करने की कोशिश, क्योंकि आज चुनाव प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है। शाम 6 बजे के बाद चुनाव प्रचार प्रसार थम जाएगा और 5 अक्टूबर को विधानसभा का चुनाव है और इसीलिए ताबड़तोड़ चुनावी मैदान में ताकत झोंकते हुए तमाम दिग्गज नजर आएंगे आज हरियाणा में।